दोस्तों, वैसे तो टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टीवी शोज प्रसारित किए गए हैं, पर शायद ही इनमें से किसी ने सीआईडी का रिकॉर्ड तोड़ा हो, क्योंकि ये सीरियल 1998 में टीवी पर प्रसारित किया गया था, जो कि टीवी जगत में पूरे 20 साल तक बना रहा और आज भी इस सीरियल को उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि पहले किया जाता था। ये सीरियल ना ही टीआरपी के मामले में टॉप पर रहा था, बल्कि इस सीरियल के कास्ट भी रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, जिन्होंने अपने किरदारों से खूब सुर्खियां बटोरी और शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी हासिल की थी। इसीलिए तो सीआईडी के ये कलाकार बेहतर और लग्जरी रियल लाइफ जी रहे हैं। ये आजकल लग्जरी हाउस में रहते हैं, जिनकी कीमत लाखों और करोड़ों में है, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सीआईडी के कुछ चुनिंदा कलाकारों की लग्जरी हाउस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी के कुछ कलाकारों की लग्जरी हाउस से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर एक, जानवी छेड़ा। इस सीरियल में श्रेया का किरदार निभाती नजर आई थी अभिनेत्री जानवी छेड़ा, जो हमेशा सीआईडी की टीम के साथ काम करती हुई नजर आई थी, जिसके चलते दर्शकों ने इन्हें इस किरदार को बेहद पसंद किया था और खूब तारीफें भी की थी, जिस कारण आज ये बेहद आलीशान और बेमिसाल लाइफ जी रही हैं। इनका मुंबई में पुणे के पास एक घर है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है। इनका जिसका इंटीरियर डिजाइन और आउटलाइन बेहद ही शानदार है, साथ ही साथ इनके घर में हर तरह की फैसिलिटी का मैनेजमेंट किया गया है, जिसमें लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी जैसी बेहद ही खूबसूरत चीजें शामिल हैं। नंबर दो, आकांक्षा सैयद। इस सीरियल में पूर्वी का किरदार निभाया था अभिनेत्री आकांक्षा सैयद ने। इन्होंने अपने इस किरदार को बखूबी दर्शकों के सामने पेश किया था, जिसके चलते इन्होंने दर्शकों की खूब सराहना हासिल की थी। इसीलिए आज ये मुंबई के एक आलीशान घर में रहती हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए है, जो 2 BHK है। इन्होंने इस घर को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जिसमें हर एक चीज का बेहद बारीकी से ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ इनके घर में खूबसूरत सी कार पार्किंग और गार्डन भी है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर तीन, दयानंद सेट्टी। दया दरवाजा तोड़ दो जैसे डायलॉग से प्रसिद्धि हासिल करने वाले अभिनेता दयानंद सेट्टी सीनियर इंस्पेक्टर दया का किरदार को निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी, और आज भी ये बड़े पर्दे पर अपनी अभिनय से दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये आज अकेले करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। इनका मुंबई में अपना आलीशान घर है, जिसकी खूबसूरती आपके होश उड़ा देगी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है और जो 3 BHK है। इस घर का इंटीरियर डिजाइन काफी लग्जरी है, इन्होंने अपने घर को खूबसूरती से सजाया गया है। नंबर चार, आदित्य श्रीवास्तव। अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव पूरे 20 सालों तक सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के किरदार को निभाते नजर आए थे। अपने इस किरदार से लोगों के दिलों दिमाग पर राज करते रहे, जो आज फिल्मों और शोज में काम करने के लिए काफी फीस चार्ज करते हैं, जिसके चलते ये काफी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इनका मुंबई में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। जितनी मोटी इस आलीशान घर की कीमत है, उतनी ही खूबसूरत इनका घर भी है, जिसकी हर एक चीज आपका मन मोह लेगी। नंबर पाँच, शिवाजी साथम।
इस सीरियल को सफल मुकाम पर पहुंचाने का सारा क्रेडिट अभिनेता शिवाजी साथम को ही जाता है, जिन्होंने एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाकर शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी हासिल की और इसलिए ये आज मुंबई के आलीशान घर में रहते हैं, जहां ये आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। इनके बंगले की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। इस आलीशान घर की लाइटिंग मैनेजमेंट से लेकर कार पार्किंग तक हर फैसिलिटी का ख्याल बखूबी रखा गया है, जिसका आउटलुक देखने लायक है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सीआईडी सीरियल के इन कलाकारों में से किस कलाकार का घर ज्यादा खूबसूरत लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।